Hello students, today we will see the next chapter from the book Marigold for the first standard. The chapter name is The Bubble, The Straw and the Shoes. It's a very interesting story. Let's begin with the reading. Once upon a time, there lived a bubble, a straw and a shoe. एक बबल, बबल मतलब जो झाग से बनते हैं बबल्स, वैसा ही एक बबल था, एक स्ट्रॉ था जिसे हम कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए यूज़ करते हैं, और एक शू. तीनों रहते थे. कहाँ पर रहते थे? एक जंगल में. वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट. वो जंगल में चले गए घूमने के लिए. दे केम टू अ रिवर. वो एक नदी के पास पहुँचे. दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट. और उन्हें पता ही नहीं था कि उस नदी को कैसे क्रॉस करना है, उस नदी के उस पार कैसे जाना है. द शू सेड, द बबल, लेट अस फ्लोट ऑन यू. शू कहता है कि बबल को कि मैं, हम तुम्हारे ऊपर बैठते हैं और हम तैरते हैं, फ्लोट करेंगे. नो शू, लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर. तो बबल क्या कहते हैं, नहीं, स्ट्रॉ क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा खुद को एक बैंक से दूसरी बैंक, बैंक मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे तक. देन वी कैन क्रॉस द रिवर. और फिर हम उसके ऊपर से चलकर जा सकते हैं, नदी को पार कर सकते हैं. सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर. तो इसीलिए स्ट्रॉ ने खुद को स्ट्रेच किया एक बैंक से दूसरे बैंक, नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक. व्हेन द शू जंप्ड ऑन द स्ट्रॉ. और जब शू ने जंप की कहां पर, स्ट्रॉ के ऊपर, व्हाट हैपन, इट ब्रोक, स्ट्रॉ टूट गया. द शू फेल इनटू द वाटर विद अ लाउड स्प्लैश. और शू पानी के अंदर गिर गया. द बबल शुक एंड शुक विद लाफ्टर एंड बस्ट अ बिग बैंग. और बबल जोर जोर से हंसने लगा और वो भी फूट गया, बस्ट हो गया, और जोर की आवाज भी थी उसने, बिग बैंग. ओके, बैंक. अब देखते हैं न्यू वर्ड्स. बैंक मतलब किनारा. बबल जैसे गुब्बारा, गुब्बारे जैसे हम बोल सकते हैं, जो पानी से, पानी की झाग से बनता है. बस्ट फूटना. क्रॉस पार करना. रिवर नदी. शूज जूते. स्प्लैश, स्प्लैश मतलब पानी कि ऊपर अगर कोई चीज गिर जाती है तो जो आवाज आती है उसे स्प्लैश. ओके, सो दीज आर द न्यू वर्ड्स. थैंक यू.